वप्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब प्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्व। गणपति जी का सर पर हाथ हो, सदा ही उनका साथ हो, खुशियों का हो बसेरा, करे शुरुआत बप्पा के नाम से मंगलमय फिर हर काम। He is the one who removes all the obstacles that come in our path. So we pray to him before we do any work. He is also known as Mangal Murti. किसी भी महोत्सव का आयोजन हो और भगवान गणेश की वंदना ना हो, यह तो असंभव है, क्योंकि भगवान गणेश के नाम से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनके नाम से ही हर कार्य संपूर्ण होता है। तो आइए हम सब भी मिलकर लेते हैं भगवान गणेश का नाम, और वो भी ऐसे कि उन्हें हमारा आह्वान स्वीकार ही करना पड़े। सो लेट्स मूव अहेड बाय थैंकिंग सीकिंग फ्रॉम लॉर्ड गणेशा विद अनस्टॉपेबल क्लैप्स। प्लीज वेलकम अवर टैलेंट फेलोज ऑन द स्टेज। थैंक यू Their parents Lord Shiva and Parvati said that the one who revolves around the whole world thrice would win. So Kartikeya climbed on his peacock and set off to win. But Lord Ganesh used his wisdom and revolves around his own parents as he considered them the universe. अर्थात आप कहना चाहती हो कि जब सभी देवताओं को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा गया, तो सभी देवता अपने अपने वाहन को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही संपूर्ण ब्रह्मांड स्वीकार करके उनकी परिक्रमा पूरी की। आप बिल्कुल सही समझे आदर्श। अरे वाह, उन्होंने तो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग किया। Yeah, and because of this, he was given the boon of being worshipped first and foremost. तो देखा आप सबने, जब भगवान गणेश ने अपने माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया, तो उन्हें सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान मिला। आखिर हम बच्चों के लिए हमारे माता पिता ही भगवान हैं। उपदेश वचन एवं वाणी सदा ही हम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक वह उत्साहवर्धक रहे हैं। सत्य कथन मोहिनी, हमारे प्रधानाचार्य जी हमारे लिए सदा ही एक प्रेरणा स्रोत है। उनका इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार प्रचार में किया गया उनका योगदान, उनका संघर्ष एवं विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य प्रदान कराने में किया गया उनका सहयोग सदा ही सराहनीय है। एब्सोल्युटली आयुष भैया, हमारे प्रधानाचार्य जी न केवल शिक्षा जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होने में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आध्यात्मिक जगत में मोहिनी, मैं कुछ समझा नहीं। आयुष भैया, क्या आपने विद्यालय में अक्सर मैम को महादेव के प्रति समर्पित होना नहीं देखा, और आपने कभी ध्यान दिया है हमारे प्रधानाचार्य जी हम बच्चों को कभी नीलकंठ, कभी ऋषिकेश, कभी महाकाल दर्शन के लिए भ्रमण आयोजित करती रहती हैं, और यही नहीं वह हमारे आदरणीय शिक्षकों को भी कभी खाटू श्याम, कभी काशी विश्वनाथ, कभी गंगा स्नान आदि पवित्र स्थलों पर आध्यात्मिक शांति हेतु भ्रमण आयोजित करती रहती हैं। हाँ, यह कदम तो तुमने सत्य कहा, तो क्यों ना हम अपने प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद उनके इष्ट देव महादेव की प्रस्तुति के साथ करें। So put your hands together for the next performance. Adi Yogi. What are you doing, Priti? Do you know this is one of the most precious things on the earth that you are throwing away? Really? How? लगता है प्रीति अभी तुम जल का महत्व नहीं जानती। क्या तुम्हें पता है मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा पानी का बना हुआ है। इंसान 5 दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन 1 दिन भी बिना पानी के गुजारना मुश्किल हो जाता है, और तुम इतने कीमती पानी को यूं ही फेंक रही थी। Oh, I'm so sorry. अब मैं समझ गई कि जल ही जीवन। Actually, there are many out there who don't know the value of water. So please welcome class 6 kids who are going to tell us the importance of water. Thank you. Thank you. जमीन, पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। इसी तरह जल का महत्व समझाने के लिए 3 LKG के बच्चे डांस पेश कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इन प्यारे बच्चों का डांस।
डिंडोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। रस की अनुभूति अंकिता दीदी, आप और विस्तृत रूप से बताएंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं राशि। यह रस और इनकी अनुभूति प्रत्येक मानव के अंदर अदृश्य रूप में समाहित होती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, अगर मनुष्य को रसों की अनुभूति ना हो तो उनके जीवन में कोई आनंद नहीं रहता, उनका जीवन नीरस हो जाता है। तुमने अपने हिंदी विषय में नहीं पढ़ा, भरत मुनि ने कहा है, विभाव अनुभाव भाईविचारी संयोग विस्मृति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। हाँ, मैंने भी कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, सर्ते इति रस, अर्थात जो प्रभावित है वही रस है। वही राशि, आओ मैं तुम्हें प्रत्येक रसों की अनुभूति एक कार्यक्रम प्रदर्शन के माध्यम से समझाती हूँ। सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। इन बच्चों का उत्साहवर्धन अपनी तालियों के साथ करते रहें। नेक्स्ट आर द विनर्स ऑफ वर्म रेस। गोल्ड मेडल कृष्णा त्यागी फ्रॉम क्लास नर्सरी, सिल्वर मेडल ऋषभ राज फ्रॉम क्लास नर्सरी एंड ब्रॉन्ज मेडल ऋषभ पांडे। अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपनी कुर्सियों पर बने रहें। अभी हमारा फंक्शन सिर्फ आधा ही बीता है, अभी आधा फंक्शन इसके बाद बाकी है। कृपया संयम बनाए रखें और अपनी अपनी कुर्सियों पर बने रहें। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ बॉल बकेट रेस। गोल्ड मेडल फॉर हिमांशु, सिल्वर मेडल फॉर शिवाय तंवर एंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर ध्रुव चौधरी।
सैक रेस, गोल्ड मेडल वीर अभिमन्यु, सिल्वर मेडल। हमारे छोटे छोटे बच्चों की कोशिशों का उत्साहवर्धन की मीठी मीठी तालियों से करते रहिए। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्लास फर्स्ट सैक रेस, गोल्ड मेडल गोस्टू लवेश, सिल्वर मेडल सिद्धांत, ब्रॉन्ज मेडल ईशु। Thank you.
अक्षय शर्मा सिल्वर मेडल गोस यश बनाता रहे लाला बन रही है भैया बन रही है अगर कहीं और ध्यान दे रहा हूँ A big hand for these kids. Now is the time for Ate the House Competition Award. First of all, please welcome Bhagat House Kho Kho Girls with their house in charge, Surbhi Ma'am. The team is Shaina from 8A, Lushika from 8A, Anushka Menwar from 7A, Ahana from 6D, Nargis from 7A, Supriya from 7A, Sanjana from 8A, Sakshi Khare from 8A, Roshni from 8C, Prachi from 7A, Gunjan from 7A, Isha. All these kids have won the gold medal for Kho Kho. कुर्सी में जल्दी जल्दी भरता है पीछे रखता है या कैमरा रखता हूँ मैं ऊपर स्टैंड जल्दी में दोस्त बैठे सारे जल्दी कुछ होगा अब जरूरत ना Next is the turn of Kabaddi girls. This is also Surbhi ma'am's team. The captain of the team is Payal. A big hand for these kids' parents. Their house in charge,
इस पीके चौहान दैट्स मी। अ बिग हैंड फॉर दीज गर्ल्स। सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। अ बिग हैंड फॉर दीज किड्स। धन्यवाद आदरणीय मोहिनी मैम और प्रीति मैम कि आपने एक भौतिकी विज्ञान के अध्यापक को देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को नेतृत्व इस प्रांगण में आए हुए अभिभावक गणों और माननीयों का हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से एक बहुमूल्य वक्त निकालकर ना सिर्फ आप लोगों ने अपने बच्चों और छात्रों का उत्साह वर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी और जमीन, अभी पूरा आसमान तौलना बाकी है। हमारी आदरणीय अध्यापिका जी स्पीच के दरमियान एक वर्ड शब्द यूज कर रही थी, माफ कीजिएगा, सर्वांगीण विकास। इसका तात्पर्य यह है कि एचआर इंटरनेशनल स्कूल को ना सिर्फ भावी मेजर ध्यानचंद को निकाल बनाना है, ना सिर्फ अगला क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर निकालना है, ना सिर्फ कुश्ती में महारत हासिल करने वाली गीता फोगाट को निकालना है, ना सिर्फ आइंस्टीन न्यूटन को निकालना है, सभी विभागों पर एचआर इंटरनेशनल स्कूल का पुरजोर ध्यान रहा है। एक विकास का इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि पे एक ऐसा रेखांकन करने का उद्देश्य है एचआर इंटरनेशनल स्कूल का, जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस सकारात्मक नेतृत्व में हमारे अध्यापकों का छात्रों के प्रति निष्ठाभाव, ईमानदारी के साथ अध्यापन और विशेषकर हमारी अध्यापिकाओं का छात्रों के साथ जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। आप लोगों को बता दें, इस छात्र ने जीवन के संसाधनों का अभाव को नकार के संघर्षों का आलिंगन करके एक सफलता का मील का पत्थर की स्थापना किया है। ऐसे आप लोगों को साथ में बताना चाहते हैं, इनमें 96% अर्जित किया है, लगातार 5 बार लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अभी इतना ही नहीं उपलब्धियों को और भी है गिनाना चाहते हैं। अभिनंदन ने एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा जेईई मेन में 99.94% स्कोर अर्जित करके गवर्नमेंट विद्यालय में अपना दाखिला लिया है। मैं चाहूंगा अभिनंदन से कि अपने अनुभव से अपने युवा साथी सब बधाई देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ डायरेक्टर, चेयरमैन और हमारे प्रिंसिपल मैम को सबसे पहले अपना प्रणाम अर्जित करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे सारे टीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे गौरव सर, हमारी मोहिनी मैम हैं और भी बाकी सारे टीचर हैं, सभी को मेरा प्रणाम। तो यहाँ पर आने से पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही आएंगे, मतलब ज़्यादातर बच्चे होंगे या एक आध दो पेरेंट्स होंगे, बट मुझे यहाँ पर आगे लग रहा है कि नहीं, पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं।
तो यहाँ की जो स्पीच होनी चाहिए वो कुछ ऐसे होनी चाहिए जो पेरेंट के लिए भी हो और बच्चों के लिए भी हो। चलो, वोटिंग होगा, ये बेसिकली ऐसे मैं दो सवाल पूछता हूँ, आपको सिर्फ हाथ खड़ा करना है, क्या ये सवाल आपसे रिलेट करता है। ये सवाल आपके बच्चों के लिए भी है अगर आप पेरेंट हैं, और अगर आप बच्चे हैं तो आपके खुद के लिए, ठीक है। तो अगर ये सवाल आपसे रिलेट करेगा तो आपको बस हाथ खड़ा करना है, अगर मेजोरिटी हाथ खड़ा करती है तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा, इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट बताऊंगा, और नहीं करती है तो हम दूसरा सवाल देख लेंगे जो कि आप में से कोई पूछ रहा हो, ठीक है। तो क्या आप जानना मतलब हाउ टू गेट 90+% इन बोर्ड एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम, क्या आप ये सवाल आपके बच्चे से या आपसे रिलेट करता है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। हाउ टू गेट 90+% या 90+% कैसे एग्जाम में लाना है, आप क्या आपसे रिलेट रखता है, एक बार बस हाथ खड़ा कर दीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं। जेमिनी आया क्योंकि लेटेस्ट रिलीज हुआ है, आप इसका यूज कीजिए। ग्रामरली एक ऐसा फीचर जिससे आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को, मैं यहाँ पे किसी जॉब को पाने के लिए स्किल नहीं बता रहा हूँ, जैसे आप इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं, तो चूंकि मेरे टाइम पे जेमिनी नहीं था तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मुझे अगर कोई आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उस केस में आप इसका यूज कीजिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए, दबा के दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मीटिंग में। थैंक यू सर। इतना जुनून, और इसी जुनून की ही तो बदौलत है बच्ची ने 91% अर्जित किया, और इतना ही नहीं मैं चाहूंगा चेयरमैन सर को इस बच्ची को पुरस्कृत करें। प्रेजेंटेड हियर, और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अपने टीचर्स को धन्यवाद देने से, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया समझाया बुझाया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी के सामने खड़ी हूँ। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि समय और समझदारी ना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमारे पास समय होता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तब समय नहीं रहता। हमारी टीचर्स समय के साथ हमें समझदारी सिखाते हैं, और सिखाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये दुनिया सुनने में नहीं सिर्फ देखने में विश्वास रखती है। यदि मैं HRIS के टीचर्स की बात करूं, हियर ऑल द टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे सपोर्ट देयर चिल्ड्रन वेरी मच इन ऑल देयर जर्नी। और हमसे ये भी कहा जाता है कि खाली हाथी आना है और खाली हाथी जाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आते तो खाली आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हम अपनी यादों को और अपने संस्कारों को यहीं पे छोड़ के जाते हैं। इन्हीं में से एक हमारी इंस्पिरेशन ना जाके एटलीस्ट हम उससे हल्का सा उसको टच करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, आप लोगों को अपने डेली टारगेट्स को सेट करना है। आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को बनाइए, उसको अचीव कीजिए। और माय लास्ट मैसेज टू द 12th क्लास स्टूडेंट्स हु हैव देयर एग्जाम वेरी सून इन द लास्ट वीक ऑफ द फेब, कि अभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बट बी काम, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। साथ ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या इसने फोड़ा है, CA, आप लोग जानते हैं विद्यालय के प्रांगण में ऐसे यूं ही जीवन उदाहरण नहीं बन जाते। आप लोगों बताना चाहेंगे CA देश नहीं विश्वव्यापी कठिन परीक्षाओं में से एक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इस छात्रा ने
सीए का फाउंडेशन कोर्स क्रैक किया है। मैं चाहूँगा हमारे आदरणीय चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम आकर बच्ची को पुरस्कृत करें। करके या फिर किसी और पे डिपेंड करके नहीं कर सकते हैं। जो काम आपको करना है, जो आपका ड्रीम है, वो आप ही फुलफिल करेंगे। आपकी डिज़ायर है, आपका जो गोल है, वो आप ही अचीव करेंगे। कोई और आपकी जगह नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन। पर आँखों का तारा है पिता, माँ से स्वर, माँ ही दर्पण, माँ से ही है चारों द्वार, पर इन सब का द्वारा है पिता। हमारी हर सफलता के पीछे हमारे माता पिता का हाथ होता है। यही तो वह रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता जाता है। अरे, बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। अरे, बदकिस्मत होते वो कैसे पत्थर दिल हो जाते हैं। मेरी आप सभी से कर्मवन विनती है कि आप अपने माता पिता का अनादर ना करें और ना ही उन्हें कभी दुख पहुँचाएँ, क्योंकि जो हम आज बोएंगे वही तो हम कल काटेंगे। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने माता पिता की कद्र करें, उन्हें सम्मान दें। माता पिता इसी धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। धन्यवाद। अनेकता में एकता अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी अंकिता दीदी? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मीन्स भारत की अखंड शक्ति और मजबूती, जिसका प्रमाण यहाँ पे रहने वाले अलग अलग धर्म, संपदा व संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जैसे गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में लावणी और राजस्थान में घूमर। हमें ये दर्शाते हैं भारत विभिन्न त्योहारों का गढ़ है। तो चलिए इसका प्रत्यक्ष अनुभव एक अद्भुत नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से करते हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट परफॉर्मेंस, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भारत यह रंगों का देश है। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियाँ। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का एक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से होती है, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। मूल रूप से महिलाओं के लिए एक मंदिर नृत्य, भरतनाट्यम का उपयोग अक्सर हिंदू धार्मिक कहानियों और भक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राजस्थान भारत का एक रही है। राजस्थान का नृत्य एक